एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहे कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और यहाँ पर डायग्राम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में जैसा बोल रहे हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो सर्कस में क्या कर रहे हैं, एक पोल लगा हुआ है, ये पोल है और पोल जमीन है। तो वो सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये दिया है कि पोल से एक रोप बांध दी गई है उसके टॉप से ग्राउंड तक, जो कि टाइट है। ये मतलब इन सब क्वेश्चन में कभी भी मेंशन रहेगा कि टाइट है, कभी ऐसा लूज नहीं रहेगा, कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैथमेटिकल चीज पढ़ रहे हैं हम, तो फिर ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी सोचना तो एक ट्राइंगल टाइप का, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये रोप है, ये पोल है, ये रोप है, इस रोप की लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखे 20 मीटर, ओके। और पोल है, पोल परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम इसलिए ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से जो भी सर्कस आर्टिस्ट है चढ़ेगा इस रोप पर, ठीक है। तो इस रोप का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से, ये वाला, ये जो रोप का इंक्लिनेशन है ग्राउंड से, वो दे रखा है 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। इस पोल की हाइट बतानी है अगर, मतलब इस पोल की हाइट बतानी है जब ये रोप इस ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमें दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। इस 30 के सामने वाले, कभी भी जिस एंगल को हम कंसिडर करते हैं उसके सामने वाले एंगल को लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो पोल की हाइट होगी, इसे तो पोल बोलेगा, लेकिन ये जो हो जाएगा हमारे इन द केस ऑफ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो इसलिए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये जिस जो एंगल बना रहा है उस नीचे वाले के साथ, उसको बोल देंगे बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इसमें क्या करेंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में टेन नहीं लगेंगे, पहले साइन लगाएंगे। साइन किसे लगाएंगे, पहले साइन लगाएंगे, साइन में होता है साइन, अगर थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पर हमें पोल की हाइट निकालनी है, मतलब भाई ये परपेंडिकुलर की हाइट निकालनी है जो कि पोल की हाइट है, और हमें हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस क्या है 20 मीटर। तो हम डायरेक्ट इसका साइन थीटा लगाएंगे 30 के रिस्पेक्ट। यहाँ पर गिवन लिख लूँ, रोप लेंथ है 20 मीटर, एंगल मेड बाय रोप विथ इंक्लिनेशन थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30 डिग्री, ओके। अब ये पता है इसी ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एक एंगल पता है उसके सामने वाला, परपेंडिकुलर के सामने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ पोल को हम पी बोल रहे हैं, और हाइपोटेनस भी है 20 मीटर, ओके। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 = p/20 हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आ जाएगा 20/2 मीटर, जो कह देगा 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल हो जाएगा 10 मीटर। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें एक एंगल पता है और किसी ट्राइंगल में हमें एक साइड पता है, तो हम साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर टैन थीटा का इस्तेमाल करके कोई भी तीसरा चीज निकाल सकते हैं। एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो तीसरा साइड निकाल दे सकते हैं, अगर दो साइड पता है तो हम एक एंगल भी निकाल सकते हैं।